इन गोलियों के खोल का बैलिस्टिक रिपोर्ट चाहिए हमको अभी। ओके। मैडम डीएसपी सर का फोन आया। जी सर, एक मिनट सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे हसीना मलिक जी से बात करने के लिए हमें कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी भाई? हैं करिश्मा सिंह जी, अरे हसीना मलिक जी से बात कराइए, समझ रही हैं आप, हम सब जानते हैं। मैडम सर ना सर, हाँ हाँ, यही हमारे साथ में खड़ी है मैडम सर, आप बात कीजिए। मैडम सर, ये डीएसपी सर का फोन है, आप बात कीजिए। और कोई ऑप्शन नहीं है मुझे। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे कहाँ है हसीना मलिक जी आप? है? कैसे सर आप? हमने राजमा चावल भिजवाया था आपके लिए। खाया आपने? पसंद आया आपको? मतलब पुष्पा जी ने बताया कि आपके लिए राजमा चावल भिजवाए थे उन्होंने, वो खाए आपने, कैसे लगे आपको, हम ये पूछ रहे थे। कैसी बात कर रही हैं, आपकी तबीयत वगैरह ठीक तो है? हैं? आप पुष्पा जी की तरह क्यों बात कर रही हैं? अरे भाई, राजमा चावल का हाल चाल आप कब से पूछने लगी मिस मलिक? खरबूजा खरबूजे को देख कर ही रंग बदलता है ना सर। सुबह शाम साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं, थोड़ा तो असर होगा ही। खैर, आपने किस लिए फोन किया था सर? अरे कल से हम फोन ट्राई कर रहे हैं, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है ना, बात ही नहीं हो रही आपसे। हाँ, वो पानी में गिर गया था ना हमारा फोन, रिपेयरिंग के लिए दिया है, बस एक दो दिन में आ जाएगा वापस। चलिए खैर, कोई बात नहीं, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, आगे बढ़े। जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, आपसे मिलना था, आपसे बात करनी थी कुछ, तो हम थाने ही आ रहे थे, तो सोचा कि आने से पहले एक बार फोन कर ले। नहीं सर, यहाँ आने की क्या जरूरत है आपको? क्या? क्योंकि हम थाने में है ही नहीं ना। थाने में नहीं है? कैसी बात कर रही है मिस मलिक, हम सब जानते रहे, हमने लैंडलाइन पे फोन किया है। हाँ सर, वो क्या है, हम बस निकल ही रहे थे ना, और तब तक आपने फोन किया, तो इसलिए हम अभी बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कल मिल लेते हैं। कल कोर्ट जाना है सर। कोई बात नहीं, परसों मिल लेते हैं। नहीं, वो मैजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग है सर हमारी। कभी तो वक्त होगा आपके पास, हम सब जानते हैं, जब आपके पास वक्त होगा तब मिल लेंगे। फिलहाल तो हमें आसार नजर नहीं आ रहे सर। और क्या है, हमारी अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो हमें उनको लेकर बैंगलोर भी जाना है, क्योंकि हमारे फैमिली डॉक्टर वहीं रहते हैं ना, तो और किसी को तो हम कंसल्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए अब पता नहीं वहाँ से कब हम फ्री होंगे। हम जैसे फ्री होंगे हम आपको खुद सामने से कॉल करेंगे ना, फिर मिलते हैं इत्मीनान से। ठीक है भाई, जब फ्री हो जाइएगा तो बताइएगा। और सुनिए, अपने अम्मी का खास ख्याल रखिएगा, दवाई दर्पण अच्छे से कीजिएगा, ठीक है ना? जी जी जरूर सर। जय हिंद सर। जय हिंद। छह में से तीन गोलियां गायब। मतलब मैडम सर को मैंने शूट किया है। मुझे माफ कर दीजिए मैडम सर, ये नहीं होना चाहिए था।
हेलो ऐसा कब तक चलेगा मालूम एक ना एक दिन तो बताना ही पड़ेगा ना कि क्या हुआ है मैडम सर के साथ ये जब तक चलेगा तब तक हमें नहीं पता चल जाता कि वो कौन है लोग जिन्होंने मैडम सर का जान लिया है मैडम लेकिन इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना तो पड़ेगा ना ऐसा बहुत लंबा तो नहीं चल सकता है ना क्या सोच रही हैं आप क्या करेंगी आप कुछ सोचा है मीरा को हमने बैलिस्टिक रिपोर्ट बनाने को कहा था मीरा मीरा उसकी कोई जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है काहे जरूरत नहीं है क्योंकि पता चल गया है कि मैडम सर को किसने शूट किया है किसने किसने शूट किया मैडम सर को मैंने ये तीन गोलियां मेरी गन से मिसिंग है इसका यही मतलब है कि मैडम सर पर गोलियां मैंने चलाई हैं उन्हें मैंने शूट किया है क्या क्या बेहुदा मजाक कर रही हैं आपको पता भी है आप क्या बोल रही हैं मैं मजाक नहीं करती ये सच है मैडम सर को मैंने मारा है लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया किसी ने मुझे हैक किया मेरे सिस्टम को ओवरपावर किया मुझे कमांड दिया और मुझे हसीना मैडम को मारने के लिए प्रोग्राम किया पर कहाँ है और कौन किया आपके साथ ऐसा कौन है वो मैं नहीं जानती जिस किसी ने भी ये सब किया उसने मेरी मेमोरी इरेज कर दी तो ये सब क्यों हुआ कैसे हुआ किसने किया मैं कुछ नहीं जानती लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि जिस किसी ने भी मुझे हैक किया वो मुझे दोबारा हैक कर सकता है और मुझे कमांड देकर मुझसे कुछ भी करवा सकता है सो राइट नाउ आई एम अ थ्रेट टू यू ऑल आप सभी को मुझसे खतरा है और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझे परमानेंटली डिसमेंटल कर दिया जाए मैं ही नहीं रहूंगी तो कोई मुझे मिसयूज भी नहीं कर पाएगा तुम्हारी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम सर को मारने की तुम्हारी वजह से मैडम सर नहीं है इस दुनिया में तुम मैडम को तो मार मार के ना तुम्हारा पूजा पूजा कर देंगे क्या कर रही हो कैसे हुई तुम्हारी मैडम सर को मारने की पुष्पा जी इसने मारा हमारी मैडम सर को आप मुझे मार सकती हैं अगर इससे आपको अच्छा लगता है तो लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मैं एक मशीन हूं आप मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती मुझे दर्द नहीं होता इस समय मुझे परमानेंटली एलिमिनेट करने में ही आप सबकी सेफ्टी है और भलाई भी सो प्लीज मुझे परमानेंटली डिसमेंटल कर दीजिए करेंगे और नहीं मैं मैं ये तुम्हारा मारा लेंगे तुमको हम क्या कर रही हैं आप पगला गई हैं क्या अब मशीन है वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पुष्पा जी उसने मार दिया हमारी मैडम सर को मशीन है मतलब क्या मशीन ने जान ले ली है वो नहीं दिख रहा आपको कितना प्यार करती थी मैं हमने कहा था इस टीम के डब्बे को बाहर निकाल के फेंको नहीं है इसका जरूरत देखो आज खा गई हमारी मैडम सर को ये तुमको बच्चे की तरह प्यार करती थी मैडम सर बच्चे की तरह तुम्हारे अंदर जज्बात डाल रही थी तुमको इंसान बनाने का कोशिश कर रही थी मैडम सर और क्या किया तुमने मैडम सर के साथ संभालिए अपने आप को क्या संभालिए खा गई हमारी मैडम सर को क्या संभालिए इसको हटाओ यार हमारे सामने से मैडम ये मशीन है सही और गलत का फर्क इन्हें नहीं पता चलेगा इन्हें जो ऑर्डर दिया जाएगा वो वही फॉलो करेंगी संतु आप ये क्यों भूल रही हैं कि ये अभी भी अपना परित्याग करने के लिए तैयार है सिर्फ हमें बचाने के लिए मशीन है फिर भी इसे हमारी परवाह है हाँ मैडम और यही तो जज्बात है जो हसीना मैडम इसमें डालना चाहती थी अरे क्या हो गया आप लोगों को हाँ नहीं मतलब दिमाग बौरा गया है क्या सबको उसने जान ली है हमारी मैडम सर की मशीन है तो मशीन जान तो ले ली ना उसने कल को हमारी जान ले लेगी कल को संतू की जान ले लेगी कल को चीते की ले लेगी बिल्लू की ले लेगी तब भी आप यही बोलेंगे कि मशीन है कोई बात नहीं जान ही तो लिया उसने हाँ पुष्पा जी ये सही कह रही हैं
मुझे एलिमिनेट करना ही ठीक होगा, मुझे खत्म होना ही चाहिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। पहली बार तुमने पते की बात की है, जाओ लेकर आओ इसको, कैसे डिसमेंडल करते हैं करो अभी के भी। मुंह क्या देख रही हो हमारा, ऑर्डर है हमारा, जाओ लेकर आओ जो भी सामान है इसका। कांस्टेबल संतोष शर्मा, प्लीज मेरा ऑपरेशनल सिस्टम लेकर आइए। करिश्मा मैडम, आप जानती है ना कि अगर आपने ये बटन दबा दिया तो मीरा मैडम का सिस्टम हमेशा के लिए स्विच्ड ऑफ हो जाएगा, फिर ये कभी एक्टिव नहीं हो पाएंगी। यही चाहते हैं हम कि ये कभी एक्टिव ना हो पाए, हम चाहते हैं कि ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। भाई मैया की, आप समझ क्यों नहीं रही है? अगर आप ऐसा करेंगे तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठ जाएगी आप पर, मीरा को मारने का इल्जाम आप पर लग जाएगा, आपकी नौकरी, आपकी वर्दी, आपका पोस्ट, सब आपसे छीन लिया जाएगा। छीन ले, सब चला जाए पुष्पा जी, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है अभी, अभी हमें ये हमारी आंखों के सामने नहीं चाहिए बस। नहीं 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 करिश्मा मैडम, इनका सिस्टम फिर से किसी ने हैक किया, कोई इन्हें कमांड दे रहा है, ये आपको भी गोली मार सकती हैं। ये आप लोग कर क्या रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर बंदूक क्यों तना हुआ है? I will explain to you, sir. अरे अब मैं आपको शूट करूंगी, उसके बाद इन सभी को शूट करूंगी, सबको जान से मार दूंगी। क्या कर रही हो तुम? अपने सीनियर पे बंदूक तना हुआ है तुमने? जानती हूँ पर मजबूर हूँ, सॉरी सर, मुझे मारना पड़ेगा। मगर सर आप आए क्यों यहाँ? हमने कहा था ना कि हम यहाँ नहीं हैं। आपने कहा था? मतलब मैडम सर ने कहा था ना कि वो यहाँ नहीं है, मतलब हम थे वहाँ, हमने सुना, फिर आप क्यों आए सर यहाँ? अरे मैं आया थोड़ी हूँ, मुझे बुलाया गया है। मीरा ने मुझे फोन करके कहा कि अर्जेंट है, जल्दी आइए, इसलिए मैं चला आया यहाँ पर। हेलो डीएसपी सर, मैं एएसआई मीरा, क्या आप महिला पुलिस थाने आ सकते हैं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अर्जेंट, प्लीज जितना जल्दी हो सके यहाँ थाने पहुँचिए। डीएसपी सर सही कह रहे हैं, इन्हें फोन करके मैंने ही यहाँ बुलाया है। काहे बुलाया तुमने? ताकि इन्हें पता चल सके कि मैं आप सबसे कितनी ज्यादा पावरफुल हूँ, किसी की भी जान ले सकती हूँ, किसी को भी मार सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। आप इंसान क्या समझते हैं कि हम मशीनों को बनाकर हमें अपना गुलाम बना सकते हैं, हम पे राज कर सकते हैं, हमें कंट्रोल कर सकते हैं, हमसे जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। इंसान मशीनों को नहीं, मशीन्स इंसानों को कंट्रोल करेंगी, उन पर राज करेंगी। और इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी को जान से मार दूंगी, ताकि सबको ये पता चल जाए कि हमारी बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। करिश्मा मैडम मुझे रोकना चाहती थी, इसीलिए मुझ पे अपनी गन पॉइंट की थी। करिश्मा सिंह देख क्या रही हो? अरे मुझे इस आफत से बचाओ, नहीं तो मुझे जान से मार देगी ये। ये मुझे नहीं रोक सकती, मैं सबको मार डालूंगी। ये जानती हैं कि मुझे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, मेरे हाथ में जो बटन है उसे दबाना और मुझे परमानेंटली डिसमेंटल करना, लेकिन ये मेरे हाथ से कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं। वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि आप पर कोई इल्जाम ना आए, समझ रही बाप? जानती है वो अगर यहाँ रही तो कभी भी हैक हो सकती है और उससे हम सबकी जान को खतरा है, इसलिए वो अपना त्याग कर रही है। हसीना मैडम को मारकर जो गलती की है उसने उसका प्रायश्चित कर रही है। देखिए यही तो है उनके जज्बातों का जादू।
कसूर पसूर क्या कर रहे हो आप लोग? अरे मेरी जान बचाओ। सर उसके लिए हमें वो बटन दबाना होगा। अरे जो भी बटन दबाना है दबाओ, नहीं तो ये ट्रिगर दबा देगी और मैं उड़ जाऊंगा। नहीं नहीं सर, वो फिर डिसबैंडल हो जाएंगे, आप डिपार्टमेंट को क्या जवाब देंगे? आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा पूरा। एक्सपेरिमेंट के लिए मैं अपनी जान थोड़ी दूंगा। अरे जो भी डिपार्टमेंट को जवाब देना होगा मैं दे लूंगा, लेकिन मेरी जान बचाओ। क्या आपका ऑर्डर है सर? हाँ मेरा ऑर्डर है, ऑर्डर है, ऑर्डर है। करिश्मा सिंह, तुमने बिल्कुल सही कहा था, मशीन कभी इंसान की जगह नहीं ले सकते। हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन मशीन के अंदर इंसानी जज्बात कभी नहीं भर सकते। कुछ भी कर लो, आखिर है तो ये टीम के डब्बे ना, ये इंसानी जज्बात क्या समझेंगे? करिश्मा सिंह, थैंक यू वेरी मच हमारी जान बचाने के लिए। जय हिंद। जय हिंद सर। टीन का डब्बा नहीं, ये मीरा थी सर, जिसे हमने पहचानने में थोड़ा भूल कर दी। लेकिन देखिए ना मैडम सर, यहां भी जीत गए। एक मशीन के अंदर जज्बात भर दी उन्होंने। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम तुमसे ये कहेंगे मीरा कभी, लेकिन मिस करेंगे तुमको। एक महीने से हम देख रहे हैं, इससे पहले अंधा था क्या? सीरियस नोट है। फनी नोट भी आते हैं क्या? हसीना मैडम दिखाई नहीं दे रही हैं। अबे झापड़ी के, देखने वाली बात यह है कि जो मैडम सर हर रोज हमको दिखती थी, एक महीना हो गया दिखाई नहीं दे रही है। अरे तुम लोग का मजिस्ट्रेट है क्या कि तुम लोग से परमिशन लेकर कहीं जाएंगी? सरकारी नौकरी है, जाना पड़ता है इसे कभी कभार बिना बताए किसी को कहीं भी। बाकी वो कहाँ गई हैं, कब गई हैं, कैसे गई हैं और कब तक वापिस आएंगी, ये बात खाली करिश्मा मैडम को पता है। कहाँ ये हसीना मलिक? न थाने आ रही, न घर पहुंच रही है। अबे कहाँ गई? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखना, उसकी अपनी टीम को भी नहीं पता कि वो कहाँ गायब हो गई। पता नहीं इस करिश्मा सिंह ने हसीना मलिक को कहाँ अंडरग्राउंड करके रखा हुआ है।
भाईजान और कुछ चाहिए? नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। ठीक, मैं तो बोलता हूँ करिश्मा सिंह को अपनी शक्ल में लगे गणपति पे कल लगेगी ना तो देखते रहे बनेगी पट 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 कहाँ है हसीना मलिक। सारी दुनिया जानती है कि वह हसीना मलिक को कितना मानती है, मर जाएगी लेकिन हसीना मलिक के बारे में एक शब्द तक नहीं बोलेगी। तो मतलब तू ये चाहता है कि हम ऐसे ही बस ये बुट्टे बुनते रहे टाइम पास करते रहे? करेंगे ना, सही वक्त तो आने दे। तुझे पता है जब से वो मशीन वाली पुलिस वाली का कांड हुआ है ना, ये और भी ज्यादा चौकन्ना हो गई है। अगर इसे जरा भी भनक हुई ना कि हसीना मलिक की जान को खतरा है तो ये हसीना मलिक को कभी बाहर आने नहीं देंगी। और वैसे भी हमें कैप्टन के अगले ऑर्डर का इंतजार करना है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत शर्मिंदा है मैडम सर, इसलिए क्योंकि जब आपको हमारा सबसे ज्यादा जरूरत था तब हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। और खुद के लिए भी शर्मिंदा है कि आज एक महीना हो गया और हम आपके कातिल को पकड़ने तक तो क्या उनके पकड़ने का कोई रास्ता भी नहीं खोज पाए हैं। हम दिमाग हमारा टोपा रहा है कि वो कब अपने बिल से बाहर निकलेंगे, कब हम उनको पकड़ेंगे और कब हम उनको मार डालेंगे अपने हाथों से। भारी नहीं आ रहे हमारे शिकंजे में ही नहीं आ रहे।